अध्यक्ष महोदय से चर्चा की और मानसून सत्र को ऐतिहासिक बनाने के लिए 10 बैठकों का आयोजन किया गया। इसमें हम चाहते हैं कि विपक्ष पूरे मुद्दे उठाए जो उनके दिल में हैं, जो उनके दिमाग में हैं और जो जनता से जुड़े हैं। राजनीति तो उन्होंने करनी है, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि में रहने के लिए उन्हें अपने विपक्ष का दायित्व तो निभाना ही है, लेकिन जनता के मुद्दे अगर वो उठाएंगे तो निश्चित रूप से उसका फायदा सरकार को भी होगा, उनके उठाए मुद्दों पर सरकार आगे काम भी करेगी और हिमाचल की जनता की सेवा भी करेगी। सर, पहली बार हुआ कि ये जो है पहली बार सबसे बड़ा सेशन होने वाला है मानसून। देखिए पूरे तो कौन मानते हैं और क्या रीजन? देखिए पूरे देश में कहीं भी विधानसभा का सत्र होता है, मेरा ख्याल कई प्रदेशों के विधानसभा सत्र तो 10 दिनों तक भी नहीं होते, 8 दिनों तक होते हैं, 6 दिनों तक भी होते हैं, लेकिन हिमाचल प्रदेश विधानसभा की एक परंपरा रही है और इस परंपरा को और जीवंत रखा है हमारे यहाँ के अध्यक्ष महोदय ने। लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो ये विधानसभा है ये एक अलग संस्था है, हम लोग तो सरकार है और जो ये विधानसभा जो हमारी संस्था है इसमें विधायक आते हैं, सत्ता पक्ष के आते हैं, विपक्ष के आते हैं, उन सबकी आवाज और दर्द सुनने का अगर दायित्व किसी को है तो विधानसभा अध्यक्ष को है। उन्होंने कहा, हम सब लोगों ने विचार किया और आज खुशी है कि इस 10 दिन के मानसून सत्र में जो भी मुद्दे जनता से उठेंगे, ठीक है राजनीति करनी है, वॉकआउट करना उनका दायित्व है, पर वॉकआउट वो मुद्दों को आधारित करें तो अच्छा होगा, यही मैं कहना चाहता हूँ। पहला मौका है सर्वदलीय बैठक में विपक्षी सदस्य नहीं पहुंचे। मेरा ये मानना है कि ये तो विपक्ष के नेता ही जवाब दे सकते हैं, ये परंपरा तो सही नहीं है। नहीं, लापरवाही बरतते अच्छी बात नहीं है।